एफ एक्स क्या है, ई एक्स के इक्वल है, एफ डैश एक्स क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ही होगा अनिरुद्ध। कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम। सर पहले उसका डेरिवेटिव निकालो एंड सिंपलीफाई करके लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, उसका तो एक ही वैल्यू होता है द्वारा के होगा इसका। ये निकाल दिया हमने एफ टेस्ट एक्स, कैसे पता लगेगा कि इसमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम नहीं है, इसका वैल्यू चेंज कर रहा है, इसका डेरिवेटिव का वैल्यू चेंज कर रहा है। e to the power x को जीरो डालना है तो वो ही नहीं सकता पहुंच रहा है, e to the power x कभी भी जीरो नहीं होता। और पिछली बार मैंने बताया था कि जहाँ एफ डैश एक्स जहाँ जीरो होता है वहाँ आप लोकल मैक्सिमम है लोकल मिनिमम होता है, ठीक है। e to the power f, f e to the power x is never equal to zero, right? So f x का क्या नहीं होगा, f x does not have any point of local maxima or minima, f x का कोई local maxima या minima नहीं होगा। फोर्थ का जैसे सेकेंड पार्ट है जी एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, जी डैश एक्स क्या होगा, वन अपॉन एक्स, ठीक है। लॉग एक्स किसके लिए डिफाइन होता है, ग्रेटर देन जीरो के लिए। लॉग एक्स किसके लिए डिफाइन होता है, ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। वन अपॉन एक्स आया, एक्स से है ग्रेटर देन जीरो, एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो जी एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। एक्स की वैल्यू अगर आपने यहाँ जीरो से बड़ी रखी तो ये कभी भी जीरो नहीं बनेगा, यानी कि जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जी डैश एक्स जीरो की इक्वल नहीं है। उसका क्या मतलब हुआ, जी एक्स डज नॉट हैव हैव एनी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। जी एक्स को लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम नहीं होगा। थर्ड, थर्ड क्या है, एच एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एच डैश एक्स, एच डैश एक्स क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर इसमें टू एक्स प्लस वन, ठीक है। डी निकाल के देखो इसका, डी क्या इतना होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर माइनस फोर सर, थ्री इंटू माइनस वन ले सकते हैं, थ्री एक्स इंटू एक्स, वो किस लिए, ये वन चाहिए ना, थ्री एक्स ये, हाँ सर हम थ्री एक्स माइनस एक्स नहीं ले सकते, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स कहाँ से आया वो तो बताओ, क्या कर रहे हो आप, डी लेके, डी लेस देन जीरो आ गया, डी लेस देन आ गया, नो रियल रूट, ठीक है। दिस डी रूट नहीं आएगा, रूट हटाओ, ठीक है। डी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है, समझ रहे हो। दिस सो इट इज नेवर इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो की इक्वल नहीं होगा। एच डैश एक्स जीरो की इक्वल नहीं होगा, एच डैश एक्स अगर जीरो की इक्वल नहीं होगा तो एच एक्स का कोई लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। एच एक्स डज नॉट हैव
एनी लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, इसका कोई लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि लोकल मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है, जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो हो, जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो वहां लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता है, ठीक है। जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो वहां लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एक्स एच डैश एक्स जीरो नहीं होगा, इसलिए इस फंक्शन का कोई लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं होगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, एब्सोल्यूट मिनिमा। अनिरुद्ध, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है? The lowest value of a certain region. सबसे ज्यादा लोएस्ट वैल्यू पूरा ऑफ द एंटायर फंक्शन। फंक्शन की जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है? एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। फंक्शन की जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है? एब्सोल्यूट मिनिमम। ये इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमेशा क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड होते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम आर डिफाइंड ओनली एट क्लोज इंटरवल। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्या दिया है फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स कहाँ बिलोंग करता है? माइनस टू टू टू, ठीक है। हमें इस इंटरवल पे माइनस टू से टू के इंटरवल पे इस फंक्शन की एक्स क्यूब की एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, क्या आएगा इसका एफ डैश एक्स? थ्री एक्स स्क्वायर। क्या पुट करेंगे? थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक्स क्या आएगा यहाँ से? एक्स क्या आएगा? जीरो, ठीक है। देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कहाँ पर होते हैं अनिरुद्ध? सर क्लोज इंटरवल में डिफाइंड होता है, कहाँ पर होते हैं? जीरो वैल्यू होता है, जहाँ पे जीरो वैल्यू होता है। किसकी जीरो वैल्यू होती है? एफ डैश एक्स का। या तो जहाँ पर एफ डैश एक्स जीरो होता है वहां लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हो सकते हैं, या इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा होते हैं। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स कहाँ जीरो है? जीरो पे। एफ डैश एक्स इज जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। या तो जीरो पे लोकल जीरो पे इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, या ए बी पे क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। ए बी का मतलब यहाँ पर क्या है? ए क्या है यहाँ पर? माइनस टू, और बी क्या है? टू। इस फंक्शन की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू और सबसे लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है, कहाँ पर होगी? या तो जीरो पे हो सकती है या माइनस टू और टू में से किसी पॉइंट पे हो सकती है। तो मैं एफ जीरो निकाल के देखेंगे। एफ जीरो क्या आएगा? इस फंक्शन में एक्स की जगह जीरो डाल दो, जीरो का क्यूब। जीरो का क्यूब क्या होता है? जीरो, ठीक है। इस फंक्शन में एक्स की जगह क्या डाल दो? जीरो। तो जीरो का क्यूब क्या होगा? जीरो। फिर माइनस टू, माइनस टू इस फंक्शन की वैल्यू चेक करो माइनस टू पे, एफ ऑफ माइनस टू। तो क्या आ गया? माइनस टू का क्यूब। माइनस टू का क्यूब क्या होता है? माइनस एट। और एफ ऑफ टू क्या होगा? एफ ऑफ टू एक्स में टू डाल दो, तो टू का क्यूब क्या हो गया? एट, ठीक है। ये तीन पॉइंट है, ये तीन वैल्यू है फंक्शन की। ये तो कहाँ पर थी? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू कहाँ पर है? माइनस टू पे। और ये वैल्यू कहाँ पर है? एट टू पे। इस फंक्शन की जो सबसे कम वैल्यू है वो माइनस एट है, और वो कहाँ पर है? माइनस टू पे। तो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एट
fx has absolute minima. इस फंक्शन की जो सबसे कम वैल्यू है वो कितनी है? -8 है. एंड वो मिनिमम वैल्यू कितनी है? एब्सोल्यूट मिनिमम. एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी? सर वो एक्स इक्वल्स टू -2 नहीं होगा? एक्स इज इक्वल टू -2 होगा. एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम कितना है? -8. -8 इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है. एंड मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है? 2 पे. एट एक्स इज इक्वल टू 2, या ऐसे लिख दो एब्सोल्यूट मैक्सिमम. इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है? 8 है. एट एक्स इज इक्वल टू 2. एक्स इज इक्वल टू 2 पे इसकी क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है. इस फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कहाँ पर है? 2 पे. और क्या है वो वैल्यू? 8. सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज 8 एट एक्स इज इक्वल टू 2. फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कैसे होगा? फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, fx is equal to sin x plus cos x. x कहाँ बिलोंग करता है? 0 से y. ठीक है. f dash x क्या होगा? cos का डेरिवेटिव होगा cos x minus sin x. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स. कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इसका एफ डेस एक्स आ गया. इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया? ठीक है, पुट करेंगे एफ डेस एक्स को 0. पुट एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 0. एफ डेस एक्स को हमने क्या डाल दिया? 0. क्या आ गया यहाँ से? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे टेन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. कॉस एक्स को इसके नीचे ले जाएंगे तो बन जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स आ जाएगा पाई बाई 4. इंटरवल 0 से पाई का है. एक ही पॉइंट ऐसा होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें. फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स टेंजेंट पॉजिटिव होता है. और कहाँ पर होगा टेंजेंट? 1 पाई बाई 4 पे. ठीक है, सो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर टेंजेंट 1 के इक्वल होगा. तो ये तो एक आ गया क्रिटिकल पॉइंट. ऐसा पॉइंट आ गया ये क्रिटिकल पॉइंट. एंड बाकी भी दो पॉइंट इंटरवल के एंड पॉइंट्स. तो अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू वो या तो पाई बाई 4 पे होगी या इन दोनों में से किसी पॉइंट पे होगी. इसी तरह से फंक्शन की जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वो भी या तो पाई बाई 4 पे होगी या 0 और पाई में से किसी पॉइंट पे होगी. ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू निकालो 0 पे. फंक्शन क्या था? एफ एक्स इज इक्वल टू fx हमारा क्या? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. तो भी सेकंड कॉर्बेट दिखा दो कि पहले वाला था. ओके सर, देखना देख लिया.
उसको देख लिया, देख लिया। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। एफ एक्स क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। एंड अच्छा एफ ऑफ फाइव बाई फोर, एफ ऑफ फाइव बाई फोर निकालोगे तो फाइव बाई फोर हमारा क्रिटिकल पॉइंट था। एफ फाइव बाई फोर क्या आएगा? साइन फाइव बाई फोर टू प्लस वन बाई टू मिल जाएगा प्लस कॉस फाइव बाई फोर। साइन फाइव बाई फोर वन बाई रूट टू, और कॉस फाइव बाई फोर कितना आएगा? ये भी वन बाई रूट टू, तो रूट टू ही आ जाएगा। वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू कितना आ गया? टू बाई रूट टू। टू बाई रूट टू, यस सर। इंटरवल के एंड पॉइंट्स क्या थे? एक जीरो था, एफ जीरो। एफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी? एक्स को जीरो यहाँ पर डाल दो, साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, ठीक है। एफ जीरो की वैल्यू यहाँ डाल दी, साइन जीरो प्लस कॉस जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, वन आ गया। और इसी तरह से एफ ओ पाई, एफ पाई क्या आएगा यहाँ पर? साइन पाई, साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई क्या होता है? वन। साइन पाई जीरो होता है। और कॉस पाई क्या होता है? माइनस वन, माइनस वन। साइन पाई जीरो होता है, साइन 180 जीरो होता है, और कॉस 180 क्या होता है? माइनस वन। आंसर आ गया आपका माइनस वन। अब देखो तीन वैल्यू हमारे पास है, रूट टू, रूट टू कितना होता है? 1.414। ये वन है, ये माइनस वन है, तो जो लोवेस्ट वैल्यू है वो क्या है? माइनस वन। तो ये इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बन गई। कौन सी वैल्यू बन गई? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एफ एक्स एब्सोल्यूट मैक्सिम मिनिमा कहाँ है? एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा इज इक्वल टू माइनस वन एट एक्स इज इक्वल टू फाइव। इस फंक्शन की जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो माइनस वन होगी, और कहाँ पर होगी? फाइव पे। सर सेकेंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा? इस फंक्शन की जो एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? रूट टू। एट कहाँ पर? एट एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई फोर। फाइव बाई फोर पे इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, और फाइव बाई फाइव पे इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एफ एक्स फोर एक्स माइनस वन बाय टू एक्स स्क्वायर, फोर एक्स माइनस वन बाय टू एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स कितना आया? फोर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? फोर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? टू एक्स। एफ डैश एक्स कितना होगा? फोर एक्स का डेरिवेटिव फोर, ठीक है, ये हो गया। दिस इज फोर माइनस एक्स, एफ डैश एक्स आ गया फोर माइनस एक्स। क्या पुट करेंगे? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? फोर, ठीक है। एक्स किसके इक्वल आ गया? फोर के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इंटरवल क्या दिया हुआ है? माइनस टू से नाइन बाई टू। इंटरवल क्या दिया हुआ है? माइनस टू से नाइन बाई टू। तो फंक्शन की वैल्यू पहले हम फोर पे निकालें। कहाँ कहाँ निकालनी होती है? एक तो जहां पर
क्रिटिकल पॉइंट पे और एक इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे, एफ फोर क्या आएगा? फोर इंटू फोर, एफ फोर क्या आएगा? फोर इंटू फोर माइनस वन बाई टू, फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन, ये हो गया सिक्सटीन माइनस एट दैट इज इक्वल टू एट। एफ फोर की वैल्यू आ गई, अब ये और निकाल लेते हैं, एफ माइनस टू निकाल लेते हैं। एफ माइनस टू कितना आएगा? क्या करेंगे, एक्स को माइनस टू डाल देंगे। कहाँ पर डालेंगे? फंक्शन में। तो फोर इंटू माइनस टू माइनस वन बाई टू इंटू माइनस टू का स्क्वेयर। मैंने क्या किया, एक्स को माइनस टू डाला। कहाँ पर डाला? फंक्शन में डाला। क्यों डाला? क्योंकि माइनस टू इस इंटरवल के एक एंड पॉइंट्स में से है। तो माइनस एट हो गया, माइनस वन बाई टू, और ये कितना हो गया? फोर। ये टू टू जा, तो आ गया एट माइनस टू, माइनस एट माइनस टू क्या हो गया? माइनस टेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइन बाई टू। नेक्स्ट क्या है? नाइन बाई टू, एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर। ये था ना? एक्स को क्या डालना है? नाइन बाई टू डालना है। ठीक है, डालो एक्स को नाइन बाई टू, क्या वैल्यू आती है? फोर इंटू नाइन बाई टू माइनस वन बाई टू इंटू नाइन बाई टू का होल स्क्वायर, क्या वैल्यू हो जाएगी? थर्टी सिक्स बाई टू माइनस में वन बाई टू इंटू, ये कितना हो गया? एटी वन, एटी वन बाई फोर कितना आ गया? थर्टी सिक्स इंटू फोर माइनस एटी वन बाई फोर, बताओ क्या वैल्यू आएगी? तो मेरे पॉइंट्स में आ रही है। सिक्सटी थ्री बाई फोर आ रही है। हाफ सर, फोर पॉइंट एट, फोर नहीं है। तो आपने जो 81.4 ऊपर लिखा वो 81.4 उसका दादा जब मल्टीप्लाई किया तो वो 8 नहीं किया आपने? 8 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया? तो 7.87 यस। अब पहले की वैल्यू क्या आई थी? एक वैल्यू 8 आई थी, एक माइनस टेन थी, और ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है? माइनस टेन। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमाइज इस फंक्शन का जो एब्सोल्यूट मिनिमा है वो कितना है? माइनस टेन। एट कहाँ पर है? एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू पे इसका एब्सोल्यूट मिनिमा है। ठीक है, एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज एट, एट एट कहाँ पर? एट एक्स इज इक्वल टू फोर, फोर पे इसकी वैल्यू क्या होगी? हाईएस्ट होगी, तो वो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया। और मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एट है। ठीक है, करोगे? इसका एक पार्ट और बचा है, वो अपने आप से करोगे। सिक्स क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या लिखा है सिक्स क्वेश्चन में? फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो पी एक्स क्या दिया हुआ है, पी एक्स कितना दिया हुआ है? 41 माइनस 72 एक्स
माइनस 18 एक्स स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ हमें, ये दिया हुआ x is this, ठीक है, एक होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्या होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में होता है क्या बेटा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता है एंड जीरो आता है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो ये क्या होता है मेक लोकल लोकल मिनिमम, अगर किसी पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन का पॉजिटिव आता है तो वहां पर होता है लोकल मिनिमम, और अगर किसी पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव क्या आता है नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पे होता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमम, इसी तरह लोकल मिनिमा या फिर मिनिमम, जिस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, जिस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है वो क्या होता है मिनिमा, और जिस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है वो क्या होता है मैक्सिमम। क्वेश्चन सिक्स में क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या फाइंड करना है मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन ए कंपनी मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, प्रॉफिट फंक्शन हमें ये दिया हुआ है पी डैश एक्स, पी डैश एक्स कितना होगा माइनस 72, पी डैश एक्स क्या होगा माइनस 72 माइनस ये इसका पी डैश एक्स होगा, तो मैक्सिमा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करेंगे इसको जीरो पुट कर देंगे, पी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, और मैक्सिमा और मिनिमा पी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस 36 एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू जीरो, माइनस 36 एक्स क्या बन जाएगा इक्वल टू 72, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, ठीक है x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालो p डबल डैश x, p डबल डैश x निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का 36, p डबल डैश x कितना आएगा माइनस 36, ये p डबल डैश x होगा माइनस 36, वो क्या है लेस देन जीरो है, देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम, प्रॉफिट इज सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता तो प्रॉफिट क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि डेरिवेटिव तो हमने प्रॉफिट का किया है ना, जिसका सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आए वो क्या होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव प्रॉफिट का किया था, प्रॉफिट का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया है तो प्रॉफिट क्या होगा मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, अगर माइनस टू यूनिट प्रोड्यूस की जाए तो प्रॉफिट क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है चलें आगे। तो सर एक क्वेश्चन, सर एक्स अगर नेगेटिव नहीं होता तो हमें प्रॉफिट मिनिमम पर चलता जब हम उसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, नहीं प्रॉफिट मैक्सिमम होगा मिनिमम हो तो पी डबल डैश एक्स से पता लगेगा, पी डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव आया तो इस वैल्यू पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इस वैल्यू पे प्रॉफिट मिनिमम होगा। मान लो यहाँ से एक्स फाइव आ जाता और पी डबल डैश एक्स क्या आ जाता टू आ जाता,
टू पॉजिटिव हो गया सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, प्रॉफिट होगा मिनिमम। कब मिनिमम होगा? जो 5 मिनट प्रोड्यूस की जाएंगे। अगर 5 मिनट प्रोड्यूस करोगे तो प्रॉफिट आपका क्या होगा? मिनिमम। ठीक है, समझ आया? चले अभी दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, फिर नहीं तो बीच में डिस्कनेक्ट होगा।